आज है 38 जुलाई और पीएमसी फिनकॉर्प के शेयर को देखोगे तो 11:30 बजे हैं आसपास आज, और ये लोअर सर्किट में ओपन हुआ है और लोअर सर्किट में ही मुझे लगता है क्लोज होगा। और ये देखिए, सबसे पहले तो है ना, मुझे एक बात क्लियर करनी है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, और NBFC मतलब क्या होता है ना, ये एक फाइनेंस प्रोवाइड करती है और बहुत सारी चीज़ें करती है, बट फाइनेंस प्रोवाइड करना, जो लोन प्रोवाइड करना, वो भी एक इनके हिस्से में रहता है। अब देखिए, इनका और बैंक का कॉम्पिटिशन रहता है, यानी एक बैंक हो गई और एक NBFC हो गई, तो दोनों RBI के अंदर रजिस्टर्ड तो है, बट जो NBFC है ना वो लोन प्रोवाइड करती है एंड बैंक लोन प्रोवाइड करती है। अब सबसे पहले तो है ना, देखिए कि अगर एक बैंक है, वो अभी देखिए गवर्नमेंट ने है ना क्या किया है, गवर्नमेंट ने महंगे दाम पर, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है ना लोन लिया है, यानी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप समझिए कितनी पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। तो गवर्नमेंट ने बैंक से लोन लिया, और कई सारे बैंक से लोन लिया, एंड देन वो भी हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया। आप कोई भी आर्टिकल उठा के पढ़ सकते हो, हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब उन्हें इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओनली बिकॉज ऑफ दिस ना, SBI है ना, SBI आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक नया बैंक अकाउंट ओपन करी है, जिसमें है ना कुछ रूल्स है कि 20 टाइम्स आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो इन अ ईयर एंड ऑल दैट, और उसके अंदर है ना कंपेरेटिवली जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो हाई है। मतलब क्या होता है, अगर आपने 100 रुपये लगाए तो नॉर्मली SBI का कुछ 2 से 3% का होता है, तो उसके अंदर है ना आपको महीने के, साल के एंड में आपको मिलेंगे 103 रुपये या फिर 102 रुपये एज पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकर्ड बाय द बैंक। बट यहाँ पर है ना SBI ने नया बैंक अकाउंट जो है उसका ओपन किया, जैसे कि सेविंग्स और करंट अकाउंट होता है ना, वैसे ही उनका एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया है विद इन 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है, और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना उन लोगों का एक्चुअल रहता था ना, अब नौ अगर फॉर एग्जाम्पल उनका 2% है, तो वो लोग ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो उसके अंदर पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, ग्रेजुअली हर एक बैंक ये इसकी तरफ बढ़ेगी, बिकॉज देखिए कोई भी कांटे की टक्कर में क्या होता है ना, जो अपना कॉम्पिटिटर कर रहा है उससे कुछ हटके करना पड़ता है, तभी हम बिजनेस में सर्वाइव करते हैं। एंड अगर सारी बैंक्स ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ें चालू करेगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा घाटा है ना NBFC को होगा। NBFC बंद हो जाएगी ऐसा नहीं है, NBFC का बिजनेस खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट NBFC में अगर देखिए आपको बैंक में अगर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आप NBFC में क्यों जाओगे, है ना। तो ये एक चीज़ है NBFC के सर पे, बट उससे ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका मार्केट कैप कम हो जाएगा और ऑल दैट सब, बट एक चीज़ है कि ऐसा होता है। अब देखिए ये PE है ना, हम यहाँ पर देखेंगे कि PE है ना 78 पे आ गया है, हमने पिछली बार वीडियो बनाया था तो 88 पे था, अब देखिए हर दिन है ना 10-10 की PE नीचे गिर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे ये PE नीचे गिरते जाएगी, पिछली बार देखिए यहाँ पर जब हम थे ना तभी PE है ना 40 के आसपास आ गया था, यहाँ पर जब हम गिरे थे ना एक गिरावट हुई थी बहुत बड़ी, अगर आपको याद होगा तो वो गिरावट में है ना PE है ना 40 के आसपास आ गया था। अगर आप यहाँ पर 1 ईयर का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखो ना अच्छी तरह से, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, और इसी जगह पर भी तो PE जब ही गिरता है ना ये स्टॉक, तभी PE है ना 40-50 के आसपास आ जाता है और उधर से बाउंस बैक देता है। देखिए सबसे बड़ा रोल PE का ही होता है, जब भी इसका PE है ना 150-200 के आसपास पहुंच जाता है ना, तब जाके एक धड़ाम सी गिरावट आती है, और जब भी PE स्टेबल हो जाता है, देखिए आपको तो पता ही होगा स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो 40 के नीचे जो PE रहता है ना वो एक स्टेबल PE माना जाता है, और वो देखिए एक थ्रेट में भी आ सकता है कि 40 के ऊपर PE है तो स्टॉक गिर सकता है, तो वो थ्रेट में भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी, शायद इसमें होगा। तो यहाँ पर एक बार हम नज़र लगा लेते हैं, हाँ देखिए ये थ्रेड्स में आया ना, यहाँ पर जो थर्ड थ्रेड है वो यही है कि 40 के ऊपर PE है, तो यही एक चीज़ होती है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो उसी की वजह से होता है कुछ। और अभी अभी आपको देखना है ना RSI को तो आप छोड़ ही दीजिए, बिकॉज वो इंट्राडे करने के लिए होता है, एंड PMC फिनकॉर्प में एज फार एज आई नो इंट्राडे तो नहीं होता है, बिकॉज पेनी स्टॉक में इंट्राडे मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें इसका,
तो इसके प्रोज में एक चीज़ और ऐड हुई है कि पिछले पास्ट 1 मंथ में है ना, इसने है ना ये निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न्स दिए, इसीलिए ये इधर आउट परफॉर्मर में लिस्ट में ऐड हुआ है, जो पिछले लिस्ट में नहीं था। तो जो भी पिछले लिस्ट में नहीं था वही सारी चीज़ें कह रहा हूँ मैं मुझे चीज़ों को रिपीट करके वीडियो बढ़ाने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो कम करने से वजह से आज के दिन में 3 वीडियो PMC फिनकॉर्प पर ही डाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें आज के वॉल्यूम की, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मुझे लगता 12 o'clock के बाद शो होगा, तो फर्स्ट हाफ हो जाता है, शो हो जाता है। पर हम कल का वॉल्यूम देखे तो हमने देख ही लिया था कि 8 लाख का है, और उससे पहले 1 वीक का 23 लाख का है, और 1 मंथ का 40 लाख का है। तो इसके अंदर डिलीवरी परसेंटेज भी चेंज हो गया है, आप पिछले वीडियो में जाके कंफर्म कर सकते हो। बट जो यहाँ पर हमें चौंकाने वाली बात है ना, जो हमने पिछले वीडियो में नहीं देखी थी, वो ये है कि यहाँ पर 67% लोग है ना बाय की सलाह दे रहे हैं, और 33% लोग होल्ड की सलाह दे रहे हैं। अब कोई बंदा सेल की सलाह दे ही नहीं रहा है, तो ये खाली है ना एक पैनिक मोमेंट रहता है, वो जो ये मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट और ये जो पूरा फाइनेंस में घुसे रहते हैं ना, वो लोग ये सब सलाह देते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम खाली मतलब कुछ घर का काम कर रहे, वो काम कर रहे, और खाली एक इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर ट्रेडिंग कर दी और हमने मनी कंट्रोल पे आके रिव्यू दे दिया, ऐसा नहीं होता है। जो फाइनेंस में घुसे रहते हैं वही मतलब एकदम जो घुसे मतलब पूरा मनी कंट्रोल मतलब क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड ही है ना, तो जब ये पूरा मनी कंट्रोल को स्टडी करेंगे तो फिर वो लोग आके यहाँ पर रिव्यू देते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमें भी यहाँ पर पूछा है कि आपको बाय करना है कि यहाँ पर होल्ड करना है। 13 इन्वेस्टर्स ने कहा है, आउट ऑफ 13 33% लोग कह रहे हैं होल्ड करना है हमें, तो क्योंकि हमें आगे और रिटर्न्स चाहिए, और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये गिरावट में है ना हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और आपने बाय कर लिया तो फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलकर आगे जाके ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ना, यहाँ पर सेल ऑर्डर इंक्रीज बाय 35 लाख टू 65 लाख इन अ सेकेंड इन फ्रंट ऑफ माई आईज, यहाँ पर लिखा है इन्होंने 34 मिनट्स पहले, कुछ आधे घंटे पहले 11 बजे। तो इनका जो सेल ऑर्डर है वो 35 से 65 लाख बढ़ गया उनके ही सामने, और किसी एक बिग प्लेयर ने है ना फेक सेलिंग करके एंट्री ली है टू क्रिएट अ पैनिक एंड ग्रैब मिनिमम मैक्सिमम शेयर्स फ्रॉम रिटेलर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने ही बताया है कि ये ना 35 लाख से 65 लाख मतलब 30 लाख शेयर्स, मतलब आप समझ सकते हो 30 लाख इंटू जो भी शेयर का प्राइस चल रहा है उस पर मल्टीप्लाई कर दो, उतना अमाउंट इन्होंने एंट्री ली है, और एंट्री भी नहीं सेलिंग दी है ओनली बिकॉज के रिटेलर्स पैनिक हो जाए कि शेयर और नीचे जा रहे हैं, और फिर वो लोग बेच दें, और जैसे ही रिटेलर्स बेचेंगे बैठा कौन है बाय करने के लिए, जिससे सेल किया था ना उनके पास तभी अमाउंट है और वो लोग बाय कर लेंगे। और यहाँ पर लिखा है, डोंट वरी योर मिनिमम लॉकिंग पीरियड इज 1 ईयर टू गेट यू इन 3 डिजिट्स एनीवेयर, सो लीविंग वॉचिंग एवरी डे। यहाँ पर लिखा है कि भाई 3 डिजिट तो 1 साल में आ ही जाएगा, मुझे तो नहीं लगता, मोस्ट प्रोबेबली है ना 2 साल तो लगेगा, 2 से 3 साल या फिर 1 साल में भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसका पहले का चार्ट पैटर्न देखें ना तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर मैक्स चार्ट पैटर्न में यहाँ पर है ना जब ये 10 रुपये से 100 रुपये पर आ गया था ना तभी भी कुछ 1 साल लगा था, अप्रैल 2013 से दिसंबर 2014, मतलब 1.5 साल में ये है ना आराम से पहुंच गया था ऊपर तक। तो ये 1.5 साल लगा सकता है फिर से 100 के लेवल को यानी 3 डिजिट को टच करने में, और एक बार 3 डिजिट टच हो गया तो आपको पता ही है क्या होगा एंड आगे जाके फाइनेंसेस की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज पीपल को पता चल गया है कि नहीं अभी तो हमें 9 to 5 को छोड़ना पड़ेगा एंड बिजनेस में आना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस ही ऐसी एक सेफ्टी है कि घर पे बैठ के हम कमा सकते हैं। तो फिर मतलब ऐसा भी और कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं बिजनेस नहीं अभी तो हमें 9 to 5 में आना पड़ेगा, तो कई सारे लोगों की अलग अलग चीज़ें होती है। और फाइनेंस के से रिलेटेड जो इनका मतलब व्यू रहता था ना मतलब उससे पहले लॉकडाउन से पहले, वो लॉकडाउन के बाद चेंज हो गया है, और कहीं ना कहीं हमें NBFC सेक्टर और बैंक सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी की माहौल छाने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं, पता नहीं जी ये क्या हो रहा है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस स्टॉक, इट्स अ पेनी स्टॉक मे बी इट विल लाइक दिस और फॉरगेट दिस एंड वेट फॉर मैजिक इफ दिस शेयर विल डू सम मैजिक। तो देखिए ये सब मैजिक की बात हो रही है, मतलब थोड़ी मतलब बात हो रही है कि शेयर मैजिक कर देगा, बट स्टिल मुझे तो भरोसा है कि ये शेयर आगे जाएगा। अब हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, और ये अपना 1 महीने पहले इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे, उसके बाद तो कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है। आपको पता है कि इस चैनल पे आपको अनाउंसमेंट्स भी रीड करके मिली जाती है, बट वो 1 महीने पहले हुई थी तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज 1 महीने पहले हमने कवर कर लिया था और ये रेवेन्यू की बात भी कर ली थी। तो यहाँ पर और क्या बात नहीं की थी वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या है, बजाज फाइनेंस बैठा है विद अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 3,85,516 crore। तो यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट कैप वाला प्लेयर बैठा है और उसके सामने PMC फिनकॉर्प 100 करोड़ वाला, तो आप समझ सकते हो कि कितना है।
यहाँ पर है 150 करोड़, सबसे कम इसका ही है, बट स्टिल दे आर मेनी थिंग्स। 3i इन्फोटेक भी इसके अंदर ही आ गया है, बट वो PMC फिनकॉर्प से भी नीचे है, इसलिए मैं PMC फिनकॉर्प को 3i इन्फोटेक से ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। बाकी बात करें कि नेट कैश फ्लो की, तो वो कम हो गया है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी बदलाव नहीं है। कुछ भी बदलाव होते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एंड इन द फाइनेंशियल्स, यू विल बी नोटेड इन द चैनल, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड उसी के लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ SMKC। जय हिंद, जय भारत।